नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, राहु पर एक और बड़ा वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। और आज के वीडियो में राहु से संबंधित मैं इतनी बड़ी जानकारी दूंगा जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देगी, जीवन का काया पलट करके रख देगी। राहु को आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे। आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को सुना होगा राहु पर, और मैंने भी राहु पर बहुत सारे उपाय आपको पहले भी बताए हैं। मेरी पर्सनल जिंदगी को राहु ने बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया था, इसलिए मैंने राहु पर जो भी अपना रिसर्च किया, आज मैं अगर एस्ट्रोलॉजर भी बना हूँ तो भी राहु ने ही बनाया है। इतनी कमाल की बात है, जब राहु व्यक्ति के जीवन में खराब हो जाता है और वो एस्ट्रोलॉजर भी बन जाता है, तो ऐसा कैसे संभव होता है? जब व्यक्ति परेशान होता है तभी तो वो अपनी समस्या के लिए कुछ हाथ पैर मारता है। एक व्यक्ति एक बार नदी के किनारे तैरने चला गया और बाई चांस उसका पांव फिसल गया और वो डूब गया। और जैसे ही वो डूबा तो गांव के कुछ लोगों ने उसको बचा लिया, पर उसके अंदर बहुत सारा पानी भर गया था, वो मरते मरते बचा। और जब वो उठा, जब उसको होश आया, तो गांव के लोगों ने कहा कि अगर हम ना होते तो आज तू मर गया था, आज तुझे मर जाना था। पर वो व्यक्ति जो है अब अपनी उस हादसे को भूल करके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीने लग जाता है और फिर से अपना रोजमर्रा का काम करना शुरू कर देता है। और एक व्यक्ति होता है जो मेरी तरह होता है, जो उसी दिन संकल्प कर लेता है कि अब मैं सबसे पहले तैरना सीखूंगा, क्योंकि कहीं मैं दोबारा ना कहीं डूब जाऊं। अगर फिर से कहीं मैं पानी में गिर गया तो फिर बाई चांस अगर गाँव के लोग नहीं हुए तो मैं डूब जाऊंगा। जब वो व्यक्ति ये संकल्प कर लेता है कि एक चीज ने मुझे अफेक्ट किया और अगले ही पल वो ये संकल्प करता है कि अब मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा, तो उसको कहते हैं उस चीज का उपाय कर लेना समय रहते हो। अब जितने एस्ट्रोलॉजर आपको उपाय बताते हैं कि आप सामान जो है नदी में प्रवाहित कर दो, या जमीन में दबा दो, या जो है कोई पूजा कर लो, या मंत्र जाप कर लो, राहु के लिए स्पेशली आज का वीडियो राहु के ऊपर। मैंने राहु के ऊपर इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जो कि एक यूनिवर्सल वीडियो था, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए था जिसका भी राहु खराब बैठा हो। तो पहले तो हमें ये भी तो जान लेना चाहिए कि क्या सच में राहु खराब है। अधिकतर 99% ज्योतिष कहते हैं कि जिसका 12वें घर में राहु होता है वो व्यक्ति का राहु खराब माना जाता है। आपको पता है कि देश के इतने बड़े अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी का 12वें भाव में राहु है, और वो दुनिया का इतना बड़ा बिजनेसमैन बना और सारा उसका जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चलता है। आज की डेट में वो अपने घर बैठ करके पूरे देश भर में अपने बिजनेस को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चला लेता है। उसने ऐसा क्या किया? उसने ऐसे अपने एस्ट्रोलॉजर से कुछ ना कुछ जरूर किया होगा कि वो 12वें भाव में बैठ करके इलेक्ट्रॉनिकली पूरी दुनिया भर में, मैं इंडिया भर में नहीं कह रहा, पूरी दुनिया भर में अपना बिजनेस वो चला पाया और देश का इतना कामयाब व्यक्ति बन पाया, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन पाया, और भारत का तो है ही है। तो आपको समझना होगा कि एक 12वें भाव का राहु, जो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो वो आपको कोई ना कोई उपाय बता देते हैं जिससे कि आप उस ग्रह की एनर्जी को पूरी तरह से समाप्त कर देते हो, नष्ट कर देते हो। हमें किस परिस्थिति में ग्रह की एनर्जी को नष्ट करना है हमें यह भी अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि वही ग्रह है। मैं कह रहा हूँ आज का जो टॉपिक मैंने लिया है कि राहु को शांत मत करना, वो किन लोगों के लिए, मैं आज वो आपको बताने वाला हूँ। जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा सच में करना चाहते हैं, राहु की और शनि की मदद से बिना होगा नहीं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपकी सारी आइडियोलॉजी है, आपकी सारी थिंकिंग है, आपकी जो कंट्रोलिंग पावर है, जो आपका जो दिमाग में जो विचार चलते हैं वो सारे राहु के ऊपर है। अगर नारियल होता है, नारियल वाला उपाय अगर किया जाए, नारियल को अपने सर से एंटीलॉक उतार करके आप बहते पानी में छोड़ देते हो तो आपका मन शांत हो जाता है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहता है राहु की वजह से, तो उनको जो है ज्योतिष वो ये उपाय बता देते हैं। या कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि काली चीजों में, काले कपड़ों में कोयला भर के जो है जल प्रवाहित कर दो, या मिट्टी में दबा दो, है ना, उनको नीले और काले रंग का परहेज करते हैं। आज मैंने आपको देखो, मैंने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और ग्रे मैंने आज पैंट पहनी हुई है। ये दोनों जो है वो राहु के सबसे बेस्ट कलर होते हैं।
राहु के जो ये राहु की एनर्जी को गेन करने वाले कलर हैं ये, क्योंकि जब राहु हमारा खराब होगा तो ये कलर हमारे ऊपर खराब करेंगे। मेरा राहु पंचम भाव में खराब अवस्था में है, पर मैंने फिर भी ब्लू और ग्रे आई लव दीस कलर्स। उसका कारण क्या है कि मैं अपने ऊपर उस ग्रह की ऊर्जा को मैं अपने ऊपर बढ़ाता हूँ, कम नहीं करता, क्योंकि अगर मैं उस ऊर्जा को ही समाप्त कर दूंगा तो मेरे पास शक्ति क्या बचेगी आप लोगों से बात करने के लिए। 15-15 घंटे, 18-18 घंटे में एक दिन में बोलता हूँ। आप लोग जिसमें 8-10 घंटे की नींद करते हो, रात को आप में से कितने ही लोग होंगे मैक्सिमम 10-11-12 बजे तक आप लोग सो जाते होंगे। कोई बहुत ज्यादा टीवी देखने का शौकीन होगा तो वो 1 बजे तक अपना टीवी बंद कर देगा तो 2 बजे जाकर उसको नींद आ जाएगी। आप बिलीव करोगे, अगर मुझे नींद चाहिए, अगर सच में मुझे सोना है तो बस मैं अपनी लाइट बंद करूंगा और सीधा पेट के बल सोऊंगा और 5 मिनट के अंदर मुझे नींद आ जाएगी, सिर्फ 5 मिनट के अंदर। और जबकि ऐसी स्थिति में जब राहु खराब होता है तो व्यक्ति पूरी पूरी रात सो नहीं पाता, उसको चैन ही नहीं पड़ता। और मुझे सोना कितनी देर है, केवल 4 या 5 घंटे मैक्सिमम 4, और कभी मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया है तो मैं 3.5 घंटे सो लेता हूँ। आज हमारी एक साधक ने प्रश्न किया, भैया आप सोते कब हो? मैं जब भी आपको रात को 2 बजे मैसेज करूं, सुबह करूं, जब भी देखूं आप हमेशा ऑनलाइन होते हो, उसी टाइम बात का आंसर दे देते हो। और ये सारे ही साधक बोलते हैं, कोई एक नहीं। अभी मेरी ब्रॉडकास्ट में 300 साधक हैं जो हमारे लाइफ टाइम मेंबर हैं, और भी हैं जो हमारे अलग अलग बहुत सारी ब्रॉडकास्ट हैं, और सभी के अंदर हमारे जो हैं अलग अलग ग्रुप्स चलते हैं, और हर एक साधक की एक ही बात होती है कि भैया आप सोते कब हो, फिर से ये पूछते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं 4 घंटे सोता हूँ। अब वो 4 घंटे मैं सुबह दिन में भी ले सकता हूँ, मैं दोपहर को भी ले सकता हूँ, मैं रात को भी ले सकता हूँ, जब मेरी इच्छा होती है। क्योंकि जब श्री विद्या की साधना मैंने की, श्री विद्या की साधना में आप जैसे ही उस अनंत एनर्जी से कनेक्ट होते हो तो इमीडिएटली आपकी बॉडी के सारे सेल्स जो हैं वो रिचार्ज हो जाते हैं। वो इतनी शक्ति गेन कर लेते हैं 3-4 घंटे में कि आपको अगले 15-16-18 घंटे तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको समय लगेगा, कम से कम भी 12-15 साल की साधना करनी पड़ेगी। तो इसको तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप आज साधना शुरू करोगे तो कल से आप पहुंच जाओगे। जो बच्चे आज 17-18-20 साल के हैं वो अगर आज मेरा वीडियो बड़े ध्यान से सुन लेंगे तो आने वाले जो 10 साल होंगे वो उनकी जिंदगी के बहुत बड़े ग्रोथ पीरियड हो सकते हैं। उस लाइफ में जो तरक्की मैंने 35-36 साल की एज में आके की, आप उसको 25-26-27 की एज में, जो आपकी बेस्ट शादी की एज होती है, हर व्यक्ति के सपने होते हैं कि उस वक्त मैं इतना सेट हो चुका हूँ कि मैं अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को अच्छे घर का सुख दे सकूँ, अच्छे जीवन दे सकूं, अच्छा घुमाना फिराना, अच्छा खाना पीना, अच्छे वस्त्र उनको लेकर के दे सकूं। पर अगर आपकी कुंडली में ये सारे योग अच्छे नहीं होंगे तो आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बहुत अच्छा जीवन नहीं दे पाओगे। तो अब यहाँ पर आज का जो हम विषय लेकर आए हैं वो क्या विषय है कि राहु को पहले आपको अपनी कुंडली को अच्छी तरह से एक विद्वान, समझदार और अपना एस्ट्रोलॉजर चुनने से पहले 20 दिन रिसर्च करो। YouTube पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से आके करवा लो, आप कहीं से भी करवा लो, मुझे कोई इन्फो नहीं है। मगर अगर कोई गलत उपाय आपको देता है, 90% जो लोग हैं वो एक दूसरे के वीडियो कॉपी करते रहते हैं, उनके पास अपना ज्ञान नहीं होता किसी का। मेरे पास बहुत सारे वी लॉग वाले चैनल हैं, मेरे को पता है जब उनके कमेंट आते हैं तो फलाना वी लॉग, फलाना वी लॉग, डी लॉग सब आता है मेरे पास लिखा हुआ, मुझे उसी टाइम पता चल जाता है कि ये कौन कौन से चैनल हैं। बड़े बड़े 2-3 चैनल भी मुझे कॉपी कर रहे हैं, मेरे लिए प्राउड की बात है और मुझे अच्छा लगता है कि मुझे कोई कॉपी मार तो रहा है कम से कम। तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी आपको देता है जब लोग आपको कॉपी करना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब समझ लो कि आप जीवन में कुछ बड़ा कर रहे हो, कुछ सच में ज्ञान प्राप्त किया है आपने, तभी तो कोई आपको चीटिंग कर रहा है, तभी तो आपके साथ कोई कॉपी कर रहा है। तो ये सब ऐसे ही नहीं मिल जाता बेटा, इसमें मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और आपको अपनी कुंडली बड़े अच्छे ज्योतिष को दिखानी चाहिए, अपने ग्रह उससे एक एक बात पूछो। 15 मिनट में ज्योतिष आपकी कुंडली में क्या देख लेगा? आप उसको 500 रुपए 1100 रुपए दे के आप उससे कुंडली दिखवा रहे हो, बस वो आपको ये बोलता है जी ये खराब है, ये खराब है, इसका उपाय कर लो, ये उपाय कर लो, वो इसमें आपकी कुंडली का एनालिसिस नहीं होता है। एक कुंडली को अगर मैं सही ढंग से एनालिसिस बोलूं, अगर आपकी, अगर आप लोग सच में अफोर्ड कर पाओ मेरी जो एक्चुअल एनालिसिस है, जो सही मायने में अगर मैं अपना टाइम खपा कर,
जो अपना टाइम इन्वॉल्वमेंट करके मैं अगर किसी की कुंडली देखूं तो मैं कम से कम 3 से 4 दिन का समय, या हो सकता है मुझे 6 दिन भी लगते हो एक कुंडली पर, एक कुंडली पे इतना समय लगता है। मैं अपनी अपनी वाइफ की अपने बच्चे की कुंडली पे, अभी मेरा बच्चा 11 महीने का है और आप यकीन नहीं करोगे कि मैं रोज उस मेरे बेटे की कुंडली में एक एक चीज का रिसर्च करके वो कैसा बर्ताव कर रहा है, कैसे उसके साथ चीजें हो रही हैं, कब वो बीमार हुआ, कब वो रोने लग जाता है, कब उसको नजर लगी, ये सारी चीजें इतने बारीक एनालिसिस करना मेरे को बहुत जबरदस्त मेरे अंदर इसका शौक था। तो ये एनालिसिस मैंने अपने जीवन के 15 सालों में किया है अपनी जीवन की रोज होती हुई घटनाओं के ऊपर। आज मैं आपको एक व्यक्ति की बात बताऊंगा, उसका अच्छा सा बहुत अच्छा लव रिलेशनशिप चल रहा था, अचानक से जो उसका बॉयफ्रेंड था लड़की का वो अपना घर छोड़ के कहीं बाहर चला गया, किसी दूसरे देश में चला गया। वहां जाकर के उसने अपना फोन बंद कर दिया, उन दोनों की बातचीत होना बंद हो गई, संपर्क टूट गया। अब वो लड़की कहती है भैया ये मेरे साथ क्या हुआ, तो मैंने उसको कहा कि बेटा आप अपनी कुंडली में देखो अभी की दशा क्या चल रही है। तो जब पता चला कि शुक्र के अंदर राहु चला गया, या आपके जो लव लाइफ है पंचम भाव है वो कहीं ना कहीं राहु से पीड़ित हो रखा है, या आपका शुक्र पीड़ित हो रखा है, चंद्रमा भयंकर तौर से पीड़ित हो रखा होगा, तो ऐसे केसेस में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और राहु का तो इतना बड़ा इफेक्ट होता है, राहु एक ऐसी चीज है जो ग्रह है ही नहीं, वो एक ब्लैक एनर्जी है, छाया है, और छाया है ब्रह्मांड में कभी कितनी है तो बढ़ती घटती रहेगी। और हर रोज राहु के ऊपर बहुत सारी चीजों का इफेक्ट पड़ता है, और राहु का दूसरी चीजों पर इफेक्ट पड़ता है। जो ज्योतिष वो सफल ज्योतिष होगा जो रोज की आज आपकी किस राशि में कौन सा ग्रह परिवर्तित हुआ है, आप उन सारी चीजों को जब आप देखोगे हर रोज के हिसाब से आप अपना एनालिसिस करोगे, तब जाकर के आप वैदिक को फॉलो करोगे। मैं इसलिए कहता हूं कि वैदिक कुंडली के चक्कर में पड़ो ही मत, वैदिक के हिसाब से अगर आप उपाय करोगे तो सारी जिंदगी आपकी सिर्फ उपायों में बीत जाएगी। रोज सुबह कम से कम 1 घंटा और शाम को 1 घंटा आपको सिर्फ उपाय करने के लिए निकालना पड़ेगा। और वैदिक में ऐसे ऐसे उपाय होते हैं जो व्यक्ति लगातार कर नहीं सकता। कोई आपको 43 दिन का किसी ने उपाय दे दिया लाल किताब का, तो 43 दिन आप में से एक भी व्यक्ति नहीं कहेगा, उसकी हौसला ही नहीं होगा कि मैं 43 दिन लगातार रोज नहर पर जाकर के कोई सामान प्रवाहित करने जाऊंगा। किसी के पास समय नहीं है आज के टाइम में। आप अपना खाना तो ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, आपको घर पे बैठे खाना चाहिए, आप इतने आलसी हो चुके हो कि आपको खाना खाने भी बाहर जाना है वो नहीं जा सकते, आप घर पे ही मंगा लेते हो। तो आप सोचो कि अपने एक ऐसी चीज जिसके ऊपर अभी आपको पूरा विश्वास भी नहीं है, अभी आप सिर्फ सोच रहे हो, किसी ने आपको कहा कि ये सामान रोज जाकर के 43 दिन नदी में प्रवाहित करो, एक दिन चले जाओगे, दूसरे दिन चले जाओगे, तीसरे दिन बोलोगे छोड़ यार ये सब बकवास की चीजें, मगर वो चीजें भी अपनी जगह पे काम करती हैं, परंतु पहले पूरा एनालिसिस ही नहीं दिया जाता आपको। जब तक सारे ग्रहों को अच्छी तरह से कैलकुलेट करने के बाद आपको जब तक वो चीज नहीं बताई जाएगी, एक उपाय का उल्टा असर भी आप पर पड़ेगा। अब कोई सारे ज्योतिष कहते हैं कि अगर आपका ग्रह वक्री है या अगर आपका ग्रह खराब है तो आपको उस ग्रह से संबंधित जो है स्टोन नहीं पहनना चाहिए। मैं कहता हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो इतने सारे लोगों को स्टोन पहनाए हैं और उनके जीवन में मेरे को जब मजा आ जाता है, जब वो कहता है भैया एक ही महीने के अंदर, सिर्फ एक महीने के अंदर जब उनकी गुड न्यूज आनी शुरू होती है, उनकी जो बातें चेंज हो जाती हैं, उनकी जो मुझे जो खबरें सुनाते हैं कि भैया ये तो पहनने के बाद कमाल हो गया, तो तब मुझे पता चलता है कि वाकई में मेरे उपाय बिल्कुल सही सटीक जा रहे हैं। तो जो मैंने मेहनत की है, जो मैंने रिसर्च की है, जब कोई रिवार्ड देता है उसका, जब कोई उसका हमें आकर के तोहफा देता है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। और कोई व्यक्ति अगर ये मुझे ऐसा नहीं मिला जो मुझे फोन करके 3 महीने बाद गए कि गुरु जी मेरा तो बर्बाद ही हो गया, मैंने तो ये उपाय किए थे मुझे कोई लाभ नहीं मिला, जिसने भी मेरे उपाय किए हैं उसको लाभ मिला ही मिला है। ये मेरा अपना 2 साल का अनुभव है, मेरे से बड़े बड़े 70-80 साल के एस्ट्रोलॉजर दुनिया में पड़े हैं और उन्होंने भी बहुत सारे उपाय दिए हैं, उनके भी उपाय अच्छे होते हैं, सभी के अच्छे होते हैं, क्योंकि जिसने मेहनत की होगी, जिसने पढ़ाई की होगी, वो गलत चीज कभी देगा नहीं, क्योंकि उसको भी तो उसका भी तो करियर जुड़ा है, उसका भी तो नाम जुड़ा है ना आपके उस रिजल्ट के साथ। और अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो आप आगे किसी को हमारी रेफरेंस कैसे दोगे, कभी भी नहीं दोगे। तो अब आपको यहाँ पर यह समझना है कि राहु को आपको आज राहु के ऊपर बात कर रहे हैं, तो पहले राहु की ही बात होगी। मैं धीरे धीरे आपको आज सारे ग्रहों के बारे में, अब मैं बहुत सारी श्रृंखला लाने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के पास साधना करने का इतना सिस्टम है ही नहीं कि आप अपनी जीवनचर्या छोड़ करके आप साधना कर सको। एक व्यक्ति है जो इतना परेशान है, उसके पास खाने को भोजन नहीं है, मैं उसको कह दूं कि आज साधना प्रारंभ कर, 10 साल बाद तेरे जीवन में खुशी आएगी। तो 10 साल तक तो कोई इंतजार कर नहीं सकता, सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए।
अब राहु की बात करते हैं। राहु क्या करता है? राहु जब आपके विचारों को प्रभावित करता है, इसको आपको बड़े ध्यान से समझना चाहिए कि विचार क्या करते हैं। जब कोई नया आइडिया आपके अंदर आता है, सोचो कि जब किसी व्यक्ति ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आप में से कोई बिजनेसमैन है, कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई डिजाइनर है, उसने कोई नया डिजाइन बनाना है, अगर उसके दिमाग सोचना ही बंद कर दे, सोचो किसी व्यक्ति को ऐसा उपाय करवा दिया और उसका दिमाग जो है वो सोचना ही बंद कर दे, तो क्या उसके दिमाग में कुछ नई क्रिएटिविटी आएगी, कुछ नया आइडिया आएगा उसके दिमाग में? नहीं आएगा। आपको पता है कि हमारे हिंदू धर्म में कलश पूजन क्यों करते हैं? अपने घर में जब भी कोई शुभ काम करने लगते हैं तो कलश क्यों रखा जाता है? अगर इसकी साइंस आप समझ लोगे ना, तो आधी चीज राहु की आपको समझ आ जाएगी। जब भी उसको हम गणेश देवता कहते हैं, कलश को गणेश देवता भी कहा जाता है, कलश के ऊपर गणेश बनाया जाता है, उसके ऊपर आम के पत्ते लगाए जाते हैं और उसको पानी के मटके में रखा जाता है, थोड़ा सा पानी उसमें टच हो, वो एक तरह से आपका राहु का उपाय होता है। वो करता क्या है, जिस जगह पे आपका व्यापार शुरू कर रहे हो, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने ऑफिस स्टार्ट किया, विधिवत आप उसकी जब पूजन करते हो, नव ग्रहों की पूजन करते हो, गणेश देवता की सबसे पहले पूजन होती है, फिर उसके बाद जो है सब ऋषि मुनियों की पूजा होती है, सब देवताओं की पूजा होती है, फिर गणेश विष्णु की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उसके बाद कलश देवता को उस बिजनेस स्थान पर, उस व्यवसाय स्थान पर, आपके ऑफिस में या आपके घर पे जब आप नया कहीं एंटर करते हो तो वहां पर कलश को स्थापित किया जाता है। वो स्थापित करने से होता क्या है, उसकी साइंटिफिक चीज है, नारियल जो होता है, नारियल के अंदर एक ऐसा तत्व है जो आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी राहु की या फिर शनि की, सिर्फ दो ग्रहों की इसमें ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, राहु और शनि की, या फिर अन्य कोई किसी ने मैली विद्या कर रखी है, कोई ऐसी नकारात्मक चेतना है वहां पर जो आपको कोई भटक रहा है, किसी का पितृ दोष है, पितृ दोष वालों के लिए भी ये उपाय एक हद तक कार्य करता है। तो वो सारी ऊर्जा जो है उसको 21 दिन या 51 दिन, कहीं पर 41 दिन, ऐसे ऐसे अलग अलग वो पंडित जी जो होते हैं वो प्रधान करते हैं उसका, तो उसमें वो सारी ऊर्जा जो है वो नारियल सोख लेता है अपने अंदर और सोख करके उसको नीचे जल में डाल देता है, और उस जल को कभी कोई ये नहीं कहता कि आप इसको पी लो, उसको कहते हैं कि जाओ दूर कहीं कांटेदार वृक्ष में डाल दो या किसी बहते पानी में उस कलश को एसिडिटी छोड़ दो। ऐसा ही करते हो, वो किस लिए करते हो कि बहते हुए जल में उस नकारात्मक ऊर्जा को आप जा करके छोड़ देते। कितने लोग कहते हैं भैया मैं अपना कलश जो है छोड़ने जा रहा था, रास्ते में मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। ऐसी इतनी कई बार इतनी नेगेटिव ऊर्जा उस कलश में आ जाती है कि वो है क्या आपके व्यवसाय स्थान पर एक्चुअल में वो ऊर्जा थी, अब वो ऊर्जा आपकी उस कलश में चली गई, वो सारी नेगेटिव एनर्जी वहां से चली गई, अब आप उसको जल में डालें। अब बहता जल का मतलब ये है कि अब वो वापस कभी नहीं आएगा, और उसमें ये भी कहा जाता है कि आप पीछे मुड़ के मत देखना। पीछे मुड़ के देखने का मतलब है कि दोबारा से उसका विचार मत बनाना, इसका मतलब सिर्फ ये है कि अब ये मत सोचो पीछे मुड़ के देखा सोचा कि फिर से वो ऊर्जा मेरे पास आ रही है, तो फिर वो व्यक्ति सोचने लगता है। इसीलिए ये सारी जो है साइंटिफिक चीजें हैं। अब आपने राहु का ऐसा उपाय कर दिया तो अब आपका मन जो है, आपके विचार जो है वो एकदम से शांत हो जाएंगे, वो कुछ नई क्रिएटिविटी पैदा नहीं करेंगे। और जो बिजनेसमैन है, जो जिनके पास अपने काम में इनोवेशन जिनको चाहिए, नई क्रिएटिविटी जिनको चाहिए, कुछ नया पैदा करने का जज्बा चाहिए, तो उसके लिए अगर आप राहु की इस एनर्जी को शांत कर दोगे और आप लगातार अब ये उपाय करते चले जाओगे तो आप इस एनर्जी को पूरी तरह से दबा कर उसको धसा दोगे, कहीं खत्म कर दोगे, मिटा दोगे, तो वो एनर्जी आपके लिए कभी कार्य नहीं करेगी और आप एक सफल बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते। और ये सिर्फ आपको एक चीज पे इफेक्ट नहीं करेगा, ये तो मैंने आपको सिर्फ बिजनेस बताया, ये 1000 चीजों पे इफेक्ट करेगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान पे इफेक्ट करेगा, आपके जो रिश्ते हैं, आपकी मैरिड लाइफ को इफेक्ट करेगा, आपकी लव लाइफ को इफेक्ट करेगा, आपके माता पिता के साथ जो संबंध होंगे उनको इफेक्ट करेगा, आपके घर को इफेक्ट करेगा, आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा, आपके नौकरों से संबंधित जो संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, आपकी जो लेबर होती है उसको खराब कर देगा, आपके आपके बॉस के साथ रिलेशन खराब हो जाएगा, आपकी विदेश यात्रा में रुकावट डाल देगा, हर जगह पे आपका नुकसान होगा, आपके चलान ज्यादा कटेंगे, आपके कपड़े ज्यादा फटेंगे, आप नया कपड़ा लेके आओगे, आज नया कोट पैंट लेके आओगे, पता चला कहीं से कील लड़ गया, वो फट गया, नुकसान हो गया। यानी उसने आपको मेंटली टेंशन देनी है। अब मेंटली टेंशन सोचो कि पूरी जीवन से जुड़ी है। अगर आपको मानसिक परेशानी कर सिर्फ देने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो राहु है। अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है ना,
तो आप ये समझ लेना कि आपका राहु खराब है। अब राहु को खराब को भी मैं कहता हूं कि इस तरीके से हमें डील करना है कि उसको दबाना नहीं है। अगर दबा डालोगे तो वो कभी काम नहीं करेगा। अब स्टोन्स वहां पर जो मैं बताता हूँ, जो रुद्राक्ष में वहां पर बताता हूँ, तो उसको जब सिद्ध करने का विधान क्या है, अब तो मैंने अपने कोर्सेज में सिद्ध करना भी सिखाना शुरू करना है कि आप खुद ही अपनी चीजों को सिद्ध करो। जो भी चीज पहनते हो, अपना आसन पे, जिस आसन पर बैठ कर आप साधना करते हो, आप पहले अपने उस आसन को सिद्ध करो। जिस रूम में बैठते हो उस रूम को सिद्ध करो। जो कपड़े आप पहनते हो उन कपड़ों को सिद्ध करो। जो मालाएं, जो लॉकेट, जो ताबीज, व्हाटएवर जो भी आपके गुरु ने आपको दिया है, वो सब चीजों को आप सिद्ध करो। जिस लैपटॉप पर आप काम करते हो उसको भी आप सिद्ध कर सकते हो। हर चीज को आपको पॉजिटिव ऊर्जा से आप भर सकते हो। उसके लिए कुछ यंत्रों की आवश्यकता होती है। तो वो सारी चीजें हमारे जो लाइफ टाइम कोर्स है उसके हम सब कुछ सिखाते हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप में हर चीज दिए जा रहा हूँ। अभी मुझे 2 साल हुए हैं और मैं इतना कुछ अपने साधकों को दे चुका हूँ। जिन साधकों ने जब मुझे ज्वाइन किया था उन्होंने कहा था कि गुरुजी हमें तो ऐसे लगता था कि ये हमारे पैसे कहीं वेस्ट ना हो जाएं, पर हमें करने के बाद पता चला कि ये तो 50 लाख की भी 50 लाख में भी सस्ता था। तो करने के बाद ही पता चला उन्हें। तो फिर उन्होंने बाद में तो हमारे आश्रम के लिए भी बहुत बढ़ चढ़ के योगदान दिया। तो वजह क्या थी उसकी, क्योंकि उन्हें कुछ मिला जो वो खोज रहे थे। जब परमात्मा की शक्ति आपके साथ होगी तो कोई नेगेटिव ग्रह, कोई आपका किसी प्रकार का पितृदोष, माल काल सर्पदोष कुछ भी हो, श्री विद्या की शक्ति के सामने टिक नहीं सकता। पहली चीज मैं पहला उपाय तो वही बोलता हूँ। अगर बाकी जो चीजें हैं वो इसलिए हैं कि एक गाड़ी अभी 100 की स्पीड में चल रही है, अब आप तो कहते नहीं भैया मुझे तो मर्सिडीज में जाना है। अब मर्सिडीज के लिए तो फिर उस स्पीड से जाने के लिए आपको और एक्सेलरेट होना पड़ेगा ना, उस एनर्जी को उतना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अब जितना भी आप बढ़ाते चले जाओगे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आपको गेन होना शुरू होगा। तो इसलिए राहु की एनर्जी को ऐसे किसी भी उपायों से दबाएं, सिर्फ उस केस में जब आप फाइनेंशियली पूरी तरह से सेटल्ड हो, आपका इस तरह का कोई बिजनेस नहीं है जहां पर आपको क्रिएटिविटी करनी है। अगर आप कुछ अलग लेवल पे हो अपने लाइफ में, लाइक आप एक कविता लिखते हो या आप एक सॉन्ग राइटर हो, तो आपको उसके अंदर शब्दों के जाल चाहिए। शब्दों से आप अपना सारा कमाल करोगे। आपके शब्द ही आपकी इनकम का सोर्स बनते हैं। उसमें क्या आप शब्द बोलोगे। कल एक व्यक्ति ने मुझे दीपक कलाल के वीडियो दिखाए, कह रहा देख भाई इसको सुन ये कितना हंसाता है। वो इतना वाहियात बोलता था, वो लड़का इतना वाहियात बोलता है, अभी भी बोलता है, सारा दिन गालियां ही देता रहता है, पर उसकी गालियों को सुनकर भी लोग हंस रहे हैं। उसको गालियों से वो लोगों को एंटरटेन कर रहा है और लोगों को बहुत मजा आ रहा है, लोगों का ब्लड बढ़ रहा है उसकी गालियां सुन सुन के, और लोग उसको खुद ही पंगे लेते हैं, उसको फोन करते हैं उसकी गालियां सुनने के लिए, और वो ऐसी ऐसी बदतमीजियां करता है, फिर भी लोग उसको क्यूटनेस से देखते हैं, उससे हंसते हैं उस लोग उस बंदे के ऊपर। और आप समझो कि ये क्या हो रखा है उसके साथ, ऐसी क्या कला पाली उसने कि उसकी शब्द, बुरे शब्द उसकी इनकम का सोर्स बन रखे हैं। कितने लोग हैं जो नॉनवेज कॉमेडी करते हैं, वो आपको गंदी गंदी बातें बता करके आपसे पैसा कमा रहे हैं। आप सोच सकते हो इस बात को कि आप लोगों का दिमाग कितना गिर भी पड़ा है लोगों के पास, क्योंकि राहु का ऐसा जाल है इस वक्त प्रकृति के ऊपर। और बुध जो है इस पूरे संसार में, मैं पहले भी बताया है कि बुध जो है बुद्धि का प्रतीक है। अगर आपके जीवन में बुध सही नहीं होगा तो 9 के 9 ग्रह भी आपके बेकार हो जाएंगे, कुछ भी दे नहीं पाएंगे। क्योंकि इस ब्रह्मांड में जितनी भी हरियाली है, जितनी भी ग्रीनरी है, वो सारी बुध से बनी हुई है, सब बुध की एनर्जी है। सारा कुछ आपके चारों ओर, अगर कहीं एक पेड़ भी है, आपके घर में प्लांट्स भी हैं, तो भी वो जो है बुध के ही सिंबल हैं, बुध की एनर्जी आपको आ रही है। अगर आपका बुध डाउन है तो आप डाउन जाओगे, उच्च है तो उच्च जाओगे। और इन चीजों को समझने के लिए ही सारा जो हमारा जो है प्रोसेस है, इस चीजों को आपको करना है। और अपनी कुंडली को ब्रीफ एनालिसिस करवाओ और उसके बाद फिर अपने जो उपाय हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से हम क्रम से आपको उपाय बताएंगे और इस तरीके से ही आपको उपाय करना है। बाकी दुनिया में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, आपका जहां दिल मानता है वहां से करो। मगर अगर आप सच में परेशान हो, जब मैं न्यूज देखता हूँ कोई व्यक्ति कहता है, पता लगता है कि किसी ने आज सुसाइड कर लिया, बड़ा दुख होता है कि इस व्यक्ति के साथ जीवन में जरूर कोई ऐसी सिचुएशन होगी और उसको उसको समय रहते किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया होगा, आज वो उस कगार पे चला गया। एक व्यक्ति उस दिन मेरे पास कुंडली लेके आया, उसने बोला कि मेरी ये समस्या है। मैंने उसको उपाय बताए, मात्र 20,000 के मैंने उसको उपाय बताए। मैंने कहा ये इतने कम में मैंने आपको बताया है कि कम से कम में जो आप इस स्थिति में कर सकते हो, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी,
बट मैंने उसको कहा कि जब तक तू ये नहीं करेगा तेरा कुछ ठीक ही नहीं होने वाला। तो उसने बोला कि गुरुजी 10,000 रुपए आप ही मुझे दे दो तो मैं ये उपाय कर पाऊं, मेरे पास तो 10,000 भी नहीं है, तो मैं 10 आपको बाद में दे दूंगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू कर ले उपाय। मैंने उसके उपाय भी करवा दिए। तो किसी का तो भला हो जाए हमारे हाथ से। रीजन क्या है, अगर जब ग्रह खराब होते हैं तो उपाय भी करने के लिए सामर्थ्य नहीं बन पाता, इतनी सिचुएशन खराब हो जाती है। और धीरे धीरे जब आप उपाय करते हो, हमारे गुरु जी कहते थे जब आप सेवा करते हो ना तो दान आप 10 रुपए से शुरू कर सकते हो। ये मत सोचो कि मेरा पड़ोसी तो 51,000 रुपए दे रहा है तो मैं 10 रुपए नहीं दे सकता। तो जहां आपकी जेब है वहीं से आप सेवा कर सकते हो, अपने माता पिता की, जीव जंतुओं की, अपने गुरु की, अपने आसपास समाज की, किसी अंधे व्यक्ति की, किसी गरीब बच्चे की, आप 10 रुपए से भी मदद कर सकते हो, आपको उसका भी गेन मिलेगा। अब पैसों के दान में भी अगर मैं आपको बताऊं, इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जब शनि खराब होता है व्यक्ति का तो उसको पैसों का भी नगद दान नहीं करना होता, तो वो भी उसके लिए जो है बड़ा जबरदस्त लॉस लेकर के आता है। तो इसलिए मैं हर वीडियो में आपको ब्रीफली उस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे को कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, मेरे दिमाग में इस टाइम सिर्फ यही चीज है कि मैं कितने कम शब्दों में आपको इस बात को एक्सप्लेन कर पाऊं। जितना शॉर्ट टू शॉर्ट मैं बनाने की कोशिश करता हूं कि मैं इजीली मेरा मैसेज आप तक पहुंच जाए कि आपको मेन कंक्लूजन को समझना है, किसी एक ग्रह को नहीं पकड़ लेना, असली रहस्य को समझना है, असली रहस्य साधना है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय। जब मुझे बात खत्म करनी होती है तो मैं ऐसे ही खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यह वीडियो बहुत लंबा हो चुका। और आई होप जो समझदार लोग होते हैं तो एक ही बार में उनको बात पहुंच जाती है, और जिनको समझ नहीं आना वो 500 वीडियो भी देख लेंगे उनको नहीं समझ आएगा। और ये बुध और राहु यही दो ही चीजें होती हैं कि व्यक्ति को जो है कभी भी समझ में भी नहीं आता कि कोई मेरा भला करने के लिए कितना बोल रहा है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।